दोस्तों आज हम एकदम लाइट हेल्दी और बहुत ही अट्रैक्टिव गार्लिक सैंडविच ढोकले बनाने वाले हैं। ये जो ढोकले हैं ये नॉर्मल बेसन के ढोकले से काफी अलग बनते हैं क्योंकि इन ढोकलों को हम सूजी बेसन दोनों को ऐड करके बनाएंगे और बीच में एक लहसुनी चटनी बनाकर इसमें लगाएंगे। टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है और ये जो ढोकले हैं ये इवनिंग स्नैक्स और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। रेसिपी बहुत ही आसान है तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम जो ढोकले बना रहे हैं उसे हम बनाने वाले हैं बेसन और सूजी से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ढोकले बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बोल और उसमें जाएगा 3/4 कप भर के बेसन और मैं ग्राम्स में बताऊं तो ये 100 ग्राम्स है। बेसन के साथ जाएगी 1 कप भर के सूजी, ये 150 ग्राम सूजी है और हमें 1 पूरा कप भर के सूजी लेनी है और ये बारीक वाली ही सूजी है। इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 2 टेबलस्पून चीनी और 1/4 टेबलस्पून हल्दी। अब इसमें जाएगी 1 कप भर के दही, जितनी सूजी थी सेम कप ही भर के हमें दही ले लेनी है और ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो ये 200 ग्राम्स दही है। दही हैवी होती है इसीलिए ये 200 ग्राम्स होती है 1 कप भर के। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बस एक बार अच्छे से मिक्स करना होगा। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा पानी, तो 3/4 कप भर के हमें पानी लेना है यानी कि ये 150 ml पानी है। पहले हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/2 कप ही पानी डालकर हम इस बैटर को अच्छे से एक बार फेंट लेंगे। दोस्तों इस चैनल पर मैं वैरायटीज ऑफ रेसिपीज और DIY शेयर करती हूँ, तो अगर आपको ये चैनल यूजफुल लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोस आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। 1/2 कप भर के हमने इसमें पानी डाला है यानी कि 100 ml पानी डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से फेंटना होगा 2 मिनट के लिए ताकि हमारे बैटर में कोई भी लम्स न रहे। बस बैटर को 2 मिनट तक फेंटने के बाद अभी आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली लग रही होगी, लेकिन जब हम इसे रेस्ट देंगे तो जो सूजी है वो सारा पानी सोख कर लेगी। तो अब हमें इसे ढककर रेस्ट करना होगा कम से कम 10 मिनट के लिए। दोस्तों जब तक हमारा भी बैटर रेस्ट कर रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम गार्लिक सैंडविच ढोकला बना रहे हैं तो उसके लिए हमें गार्लिक चटनी तो बनानी होगी। तो यहाँ पर मैंने 5 बड़ी कलियाँ लहसुन की ले ली है। अगर आपकी लहसुन छोटी छोटी है तो फिर आपको ज्यादा लेनी होगी, 8 से 10 कलियाँ आप ले लीजिएगा। और उसके ऊपर जाएगा 3 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। हमको कश्मीरी लाल मिर्ची लेनी है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा ढोकलों में और ये स्पाइसी नहीं होती है। इसके ऊपर जाएगा 3 टेबलस्पून भर के पानी, जो हमने 3/4 कप पानी निकाल कर रखा था बस वही लगभग 4 टेबलस्पून हमें भर के इसमें पानी डालना है। और चटनी में नमक डालना तो हम भूल ही गए, तो बस थोड़ा सा ही इसमें नमक जाएगा। अब हम लगाएंगे जार का लिड और इसकी फाइन सी चटनी तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी बढ़िया सी गार्लिक चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम चटनी को करते हैं साइड। हमारे बैटर को भी रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है ये एकदम परफेक्ट हो चुकी है। बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो अब हमें इसमें डालना है 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। ऑयल डालने के बाद आप इसे अच्छे से एक बार फेंट लें। एक बार आपने ऑयल को बटर के साथ अच्छे से फेंट लिया तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हमें 2 बोल्स की जरूरत होगी और आपकी ये जो दोनों बोल्स है ना वो सेम ही साइज के होने चाहिए। क्योंकि आज हम सैंडविच ढोकला बना रहे हैं तो हमें बटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो पहले हम 2 बोल्स पे एक ही जितना बैटर डाल देंगे 2 लेयर्स के लिए। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें बैटर को अलग कर लेना है और अभी आप देख सकते हैं इस बोल में थोड़ा सा ही बैटर बाकी है, ये बीच की लेयर के लिए हम इसे यूज करेंगे। तो ये जो हमने एकदम थोड़ा सा बैटर बचा कर रखा है उसमें जाएगी गार्लिक चटनी, तो सारी गार्लिक चटनी हम डाल देंगे। गार्लिक चटनी डालने के बाद हमें इसे करना है अच्छे से मिक्स और ये देखिए दोस्तों हमारे बैटर का कलर कितना अच्छा आया है, एकदम रेड कलर आया है।
तो बस हमारे अब सैंडविच ढोकला की तैयारी हो चुकी है, बस अब हमें इन्हें स्टीम करना होगा। ढोकले का हमारा बैटर एकदम तैयार है, तो फटाफट से टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेकिंग टिन ले रही हूँ, आप चाहें तो ढोकलों को प्लेट या कोई थाली में भी स्टीम कर सकते हैं। बस टिन को अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है। और हमने ये जो बोल्स में बैटर निकाल कर रखा था, तो एक बोल हम ले लेंगे और उसमें हमें डालना है 1/2 टेबल स्पून भर के फ्रूट सॉल्ट। आप फ्रूट सॉल्ट में कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, लेमन फ्लेवर या ओरिजिनल भी ले सकते हैं। एग्जैक्ट 1/2 सैशे ही हमें इसमें डालना है। फ्रूट सॉल्ट के ऊपर जाएगा सिर्फ 1 टेबल स्पून भर के पानी और बस हमें अच्छे से इनको मिक्स करना है। और दोस्तों, आप ये इनो डालने के पहले अपना स्टीमर भी रेडी रखें, सबसे लास्ट में ही हमें इनो डालना है और फिर हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, फटाफट बैटर डालकर हम ढोकले स्टीम करेंगे। तो इनो डालने के बाद हमारा जो बैटर है वो एकदम लाइट और फ्लफी सा हो जाता है, इसी से हमारे ढोकले बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो टिन में ये पूरा बैटर डाल देंगे, इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे टिन में और बस ये अब स्टीम होने के लिए रेडी है। स्टीमर भी मैंने पहले से ही रेडी रखा है, तो बस अभी हमें ये ढोकले की जो फर्स्ट लेयर है दोस्तों, पहले उसे स्टीम करना होगा। तो घड़ी में एग्जैक्ट 5 मिनट का टाइमर देखकर आप फर्स्ट लेयर को स्टीम कर दीजिए और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही स्टीम करना होगा। हमारी फर्स्ट लेयर को जैसे ही स्टीम की हुई 3 से 4 मिनट हो जाए, तो सेकेंड लेयर में आप फ्रूट सॉल्ट डाल दीजिए। तो ये जो सेकेंड लेयर है उसकी क्वांटिटी कम है, तो हमें 1/4 टेबल स्पून भर के फ्रूट सॉल्ट डालना है। ऊपर से डालेंगे हल्का सा पानी और बस इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। एक बार इनों को अच्छे से फेंटने के बाद अब हमें सेकेंड लेयर को भी स्टीम करना होगा। आप लिड हटाकर एक बार देख लीजिए, जो फर्स्ट लेयर है वो अच्छे से स्टीम हो चुकी है, तो इसके ऊपर जाएगी सेकेंड लेयर। और दोस्तों, जो हमारे गैस का फ्लेम है वो अभी भी हाई फ्लेम पर ही है, आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी कम नहीं करना है। सेकेंड लेयर डालकर आप इसे भी इवनली अच्छे से फैला लें। इस तरीके से सेकेंड लेयर को भी हमने फैला लिया, तो अब वापस से हम स्टीमर का लगाएंगे ढक्कन और इसे एग्जैक्ट वापस 5 मिनट्स के लिए स्टीम करने रखेंगे। सेकेंड लेयर को भी जैसे ही स्टीम किए हुए 4 मिनट होने लगे, तो अब बस जो लास्ट हमारा बैटर बचा हुआ है लास्ट लेयर के लिए, उसमें भी हम ये फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे जितना भी बचा है हमारे सशे में। इसके ऊपर जाएगा 1 छोटा टेबलस्पून पानी और बस इसे अच्छे से मिक्स करके और हल्का सा फेंट लेंगे। दोस्तों, ये जो ढोकले हैं आप उन्हें पार्टीज में, बच्चों के स्कूल टिफिन में या शाम की चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। बस थर्ड लेयर में भी हमने फ्रूट सॉल्ट अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फिर से हम स्टीमर का हटा लेंगे ढक्कन और आप देखिए, जो हमारी सेकेंड लेयर भी है वो भी अच्छे से स्टीम हो चुकी है, तो थर्ड लेयर डाल देंगे। अब थर्ड लेयर को भी आप अच्छे से इवनली फैला लें और वापस से दोस्तों स्टीमर का हम लिड लगाएंगे और अब हमें इसे घड़ी का एग्जैक्ट टाइम देकर हमें इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करना होगा। दोस्तों, 10 मिनट में आप देखेंगे कि हमारे जो ढोकले हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं। गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ। अब ढोकले को हम स्टीमर में से निकाल देंगे और इसे हम रेस्ट देंगे 5 मिनट का। ढोकले हमारे अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो पहले इन्हें थोड़ा सा हम ठंडा करने रखेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए हम इन्हें एज इट इज छोड़ देंगे और फिर ही हम इन्हें कट करके तड़का लगाएंगे। ढोकले हमारे 5 से 7 मिनट में ही थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इनके पीसेस कर लेते हैं। आज तो मैं ढोकले के स्क्वायर पीसेस कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। ढोकले के पीसेस करने के बाद अब बस हमें इसका फटाफट से तड़का बनाना है। तड़का बनाने के लिए एक तड़का पैन में जाएगा 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। ऑयल हमारा जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून राई और जैसे ही राई पॉप होने लगे आप गैस का फ्लेम लो कर लें और इसमें 1 टेबलस्पून तिल, 5 से 6 चॉप की हुई हरी मिर्च,
दो पींच हींग और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तड़के को एक स्टर दे देंगे। और दोस्तों ये जो हमने आज ढोकले बना है ये सूजी के भी ढोकले हैं, तो इसमें हमें पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं तड़के में कोई पानी वगैरह नहीं डाल रही हूँ। बस हमारा तड़का परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। ये तड़का जाएगा ढोकले के ऊपर। दोस्तों ढोकले हमारे अब एकदम रेडी है, तो इन्हें निकाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे ढोकले कितने परफेक्ट बने हुए हैं, ये देखिए आप, और आप इनकी सॉफ्टनेस देखिए। हमने इसमें कोई पानी वगैरह भी नहीं डाला है, स्टिल ये बहुत ही जूसी लगते हैं क्योंकि ये दही और सूजी से बने हुए हैं। बस सारे ढोकले हम निकाल देते हैं। दोस्तों ये ढोकले बनाना आसान बहुत ज्यादा है, ये कभी फेल नहीं होते हैं, तो आप इनको ट्राई जरूर से कीजिएगा। दोस्तों हमारे बहुत ही टेस्टी और अट्रैक्टिव सैंडविच ढोकले बनकर तैयार हैं, और आप एक एक ढोकला देखिए इसमें कैसी जाली आई है। और ये जो ढोकले हैं ये कभी फेल नहीं होते हैं, इसे कोई भी बना सकता है, आप इसकी सॉफ्टनेस भी देख सकते हैं। और इस ढोकले को आप ग्रीन चटनी और थोड़ी सी टमाटो केचप के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छे लगते हैं। प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बने तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।